नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर एंटरटेनमेंट। और आज के एंटरटेनमेंट में हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल अगर आज के अभिनय जगत में बेहतरीन कलाकारों की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम हमारे मानस पटल पर सबसे पहले आता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान स्थापित किया है। नवाज ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी अभिनय का परचम लहराया है, परंतु अब नवाज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को अलविदा कहने का मन बना लिया है। नवाज ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से अलविदा कहना चाहते हैं। नवाज के अनुसार वह हमेशा से ओरिजिनल कंटेंट पर अभिनय करने का शौक रखते हैं, परंतु अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट दिन प्रतिदिन काफी बुरा होता जा रहा है और अब ये पहले की तरह दमदार नहीं रह गया है। अब सीरीज के मेकर्स पुराने शोज के सिक्वल बनाकर उन्हें दिखा रहे हैं, जिनमें दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नवाज ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार नेटफ्लिक्स के लिए सेक्रेट गेम्स के लिए काम किया तो वह इसके बेहद उत्साहित थे और इस प्लेटफॉर्म को एक चैलेंज के रूप में काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि ओटीटी के जरिए नए नए टैलेंट्स को मौका मिल रहा था, परंतु अब ओटीटी को झेलना मुश्किल हो गया है। नवाज ने इन्हीं सब कारणों से ओटीटी छोड़ने का निर्णय लिया है। नवाज ने अब तक ओटीटी पर धूमकेतु और सीरियस मैन फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने सेक्रेट गेम्स के 2 सीजन्स में काम किया है। यह शो लोगों को काफी पसंद आया था। हालांकि नवाज बड़े पर्दे पर आते रहेंगे। बहरहाल आज के टीडी एंटरटेनमेंट में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।